हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले पीसी जोड़ लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही गिरावट और ये पिछले 2 महीने में डाउन है लगभग 71% के आसपास और 57% की गिरावट देखने को मिली है सिर्फ 1 महीने में इसके स्टॉक प्राइस में। और पिछले 2 हफ्ते में आप देख सकते हैं 38% से भी ज्यादा ये डाउन है और पिछले 2 दिनों में ये गिरा है 28% के आसपास। तो पीसी ज्वेलर पे वीडियोस बना के आपको लगातार अपडेटेड रखने की कोशिश है मेरी, और 31 मई को मैंने एक वीडियो डाला था उसके Q4 के रिजल्ट्स को लेके, जो कि था बहुत ही बुरा और कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपना 377 करोड़ का लॉस और इसी के साथ स्टॉक प्राइस ने तोड़ दिया था 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस वीडियो में मैंने कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 60 रुपए से भी नीचे जाने वाला है, और जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस टाइम में उसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 77 रुपए के आसपास। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ, आप जाके इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। और 10 जून 2019 को तोड़ दिया था इसने 60 रुपए का अपना सपोर्ट का लेवल। और उसी दिन 10 जून को मैंने एक दूसरा वीडियो लाया था पीसी ज्वेलर पे, जिसमें मैंने बात की थी कि क्यों आखिर ये लगातार गिर रहा है, और फिर मैंने ये भी बोला था कि यहां से फर्दर ये नीचे जाएगा और ये तोड़ देगा अपना 50 रुपए का सपोर्ट भी। और इसी के साथ कल यानी कि 16 जून रविवार को मैंने एक वीडियो बनाया था इसके चार्ट्स की एनालिसिस करके, और मैंने देखा था इसका लास्ट का चार्ट ट्रेडिंग सेशन और उसमें बनी हुई कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मंडे यानी कि आज 17 जून को गिरावट का जो अगला चरण है पीसी ज्वेलर्स में वो स्टार्ट होने वाला है। और आज आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस लगभग 18% के आसपास डाउन है और इसके साथ ही इसने तोड़ दिया है 50 रुपए का सपोर्ट का लेवल भी। तो इन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो जाके उनको देख के ये सारे स्टेटमेंट्स जो मेरे हैं उसको कंफर्म कर सकते हैं। सवाल आता है कि पीसी ज्वेलर का जो स्टॉक है वो और कितना नीचे जाएगा और कहां पे बनेगा इसका बॉटम, तो ये दोनों पॉइंट इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप पीसी ज्वेलर लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट और ये पीसी ज्वेलर स्टॉक के बारे में सारा डिटेल, तो आप देख सकते हैं आज जो इसकी क्लोजिंग हुई 17 जून को वो हुई 48 रुपए 30 पैसे, यानी कि 10 रुपए 30 पैसे ये डाउन है, जो कि होता है लगभग 17.58% की गिरावट देखने को मिली इसके स्टॉक प्राइस में। इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि पिछले शुक्रवार 14 जून को जो ये बंद हुआ था वो था 58 रुपए 60 पैसे, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो हुई 56 रुपए 80 पैसे, यानी कि गैप डाउन से ये ओपन हुआ है और यही इसका लगभग हाई भी था आज के दिन का 56 रुपए 85 पैसे का। लेकिन आप देख सकते हैं लो ये काफी नीचे गया 47 रुपए 65 पैसे का, और अगर इसके 52 वीक के लो की बात करें तो ये उसके काफी आसपास है। जो 52 वीक का इसका जो लो है वो बना था 26 अक्टूबर 2018 को, जो था 46 रुपए 85 पैसे, तो ये काफी करीब है अपने 52 वीक के लो के। अगर इसके डिलीवरी की बात की जाए तो आज टोटल 4,64,00,000 शेयर की हुई थी ट्रेडिंग, जिसमें से डिलीवरी हुई है 1,15,00,000, यानी कि लगभग 25% के आसपास हुई है डिलीवरी आज के दिन पीसी ज्वेलर में। तो आज के इसके प्राइस मूवमेंट को डिटेल में देखने के लिए मैंने लगा दिया इसका चार्ट 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं खुलते के साथ एक कितनी बड़ी गिरावट आई थी पीसी ज्वेलर के स्टॉक में, और इसने तुरंत ही 10 मिनट में अपना जो लो बना लिया था वो था 48 रुपए 90 पैसे का। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज चला है और फिर उसने अपना आज के दिन का जो लोएस्ट पॉइंट टच किया था वो था करीब 12:40 के आसपास, जो था 47 रुपए 65 पैसे का। उसके बाद थोड़ी एक पुल बैक रैली इसमें आई थी, लेकिन फिर एक गिरावट का दौर और फिर ये फाइनली जो बंद हुआ है वो हुआ है 48 रुपए 30 पैसे पे। तो इसके प्राइस मूवमेंट को और डिटेल में देखने के लिए मैंने लगा दिया इसका 1 साल का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 जून 2018 को बना था इसका 52 वीक्स का हाई, जो था 164 रुपए 90 पैसे। उसके बाद आप देख सकते हैं गिरावट का दौर, और ये था इसका 52 वीक का लो जो बना था 26 अक्टूबर को, जो था 46 रुपए 65 पैसे का। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी और फिर स्टॉक ने यहाँ पे बनाया था अपना नियर टर्म का हाई, जो था इसके 52 वीक के हाई के काफी करीब, जो है 163 रुपए 50 पैसे का 18 अप्रैल को। उसके बाद से कंटिन्यूस इसमें गिरावट का दौर बना रहा, क्योंकि नेगेटिव न्यूज आने स्टार्ट हो गई थी स्पेशली इसके Q4 के रिजल्ट्स को लेके, और फिर आप देख सकते हैं जो गिरावट का मोमेंटम बना है वो कंटिन्यूड ही है और ये लगातार सपोर्ट पे सपोर्ट अपना तोड़ता जा रहा है। तो सबसे पहले इसने तोड़ा अपना 60 रुपए का सपोर्ट यहाँ पे, और उसके बाद आज टूट चुका है इसका 50 रुपए का सपोर्ट। और यहाँ पे अगर पूछी जाए सपोर्ट की बात तो मुझे कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा सिवाय इसके जो इसका 52 वीक का लोवेस्ट पॉइंट है जहां पे ये ऑलरेडी है।
तो उसके ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, तो मैं इसको कर लूंगा थोड़ा जूम आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं ये है आज की कैंडल जो कि बनी है बहुत ही ज्यादा बेयरिश, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में और गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं लगा रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट। और आप देख सकते हैं एक हाई वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है आज का स्टॉक, वो भी गिरावट के दौर में, यानी कि ये जो गिरावट का ट्रेंड है ये अभी कंटिन्यूड रहने वाला है। तो इसको और कंफर्म कर लेते हैं, उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यूज करें 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक, 21 डे का ग्रे और 50 डे का पर्पल लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड्स ट्रेंड में है ये 13 मई के बाद से ही, और सारे इसके जो मूविंग एवरेज हैं वो उसके ट्रेडिंग प्राइस से ऊपर ही चल रहे हैं। तो सवाल आता है कि कितना और नीचे जाएगा पीसी ज्वेलर का स्टॉक, तो मेरे हिसाब से अभी और इसमें गिरावट आनी बाकी है, तो हमें डाउनवर्ड ट्रेंड और देखने को मिल जाएगा। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एक नया 52 वीक का लो देखने को मिल सकता है पीसी ज्वेलर स्टॉक में। और अगर मार्केट का सेंटिमेंट ऐसे ही नेगेटिव बना रहा तो हमें आने वाले दिनों में 45 रुपए के नीचे का भी मार्क देखने को मिल सकता है पीसी ज्वेलर में। तो मेरी आपसे यही राय रहेगी कि पीसी ज्वेलर स्टॉक से दूर रहें, ये बहुत लोगों का पैसा ऑलरेडी डुबा चुका है अप्रैल से लेकर अब तक में, तो अभी फिलहाल इससे दूर रहें। लेकिन एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है, और फिर एक अच्छा खासा मुनाफा बनने का मौका भी मिल जाएगा आपको फ्यूचर में जब ये अपना बॉटम कन्फर्म कर लेगा। तो फिलहाल अगर इसकी बॉटम बनने की बात की जाए तो वो मुझे लग रहा है कि शायद 45 रुपए के आसपास बन जाए। 45 रुपए में भी इसका एक पिवट पॉइंट बन सकता है और वहां से देखने को मिल सकती है ट्रेंड में रिवर्सल, बट ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी जो कंटिन्यूएशन दिख रही है ट्रेंड की वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, मोमेंटम पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और मे बी ये 45 रुपए का जो मार्क है वो टच करता हुआ दिख जाए या फिर उसको भी तोड़ के उससे भी नीचे चला जाए। यही मेरा वर्डिक्ट पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। वीडियो करूंगा ये वाइंड अप पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें और इस तरह के वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।